हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है, मुझे यहाँ डे या डेट ही याद नहीं रहता है। आज है 18th of August, मतलब कि दिन है आज वेंसडे। तो आज है 18th of August और मैं हूँ अभी अपने गांव में, यानी कि मीठी के मामा जी के घर में। और अभी बज रहे हैं दोपहर के, शायद 2 बज रहे हैं। मीठी खाना सबने लंच कर लिया, सबने लंच नहीं किया है, मैंने मीठी और बड़ी माँ ने किया है। मम्मी का आज फास्ट है, आज है पूजा। मैंने कल के ब्लॉग में आपको कुछ, आप लोगों को कुछ बोला था पूजा के बारे में, बट फिर बाद में ना थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया कि मैं ब्लॉग कर पाऊँ। एक्चुअली क्या है कि शाम को ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई और थोड़ा सा यहाँ पर लाइट वाइट की इशू है। लाइट तो नहीं गया था बट वोल्टेज इतना कम था कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। कोई फ़ैन एसी वेसी तो है नहीं गाँव में, तो फ़ैन के नीचे बैठने से भी बहुत, मुझे तो नहीं प्रॉब्लम हो रही थी, तो प्रॉब्लम हो रही थी एक्चुअली मीठी को। मीठी हम जो हमारे भगवान जी हैं, कुल देवता हैं, तो वो सबके घर घर घूमते हैं। यानी कि किसी एक घर से जो भी, मतलब हमारे पटीदार और इस गांव के जो भी राजपूत फैमिली है, तो जिनका भी कुल देवता सेम है, मुझे बहुत डिटेल तो नहीं पता बट ऐसा ही कुछ है, तो उनके घर में पहले पूजा होगा, फिर वहाँ से दूसरे घर में भगवान जी जाएंगे, फिर वहाँ से तीसरे घर में जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि अभी जैसे मेरे घर में भगवान जी आएंगे जब, तो छोटी सी पूजा होगी, छोटी पूजा होगी वो, मुझे ठीक से नहीं पता, जैसा मम्मी बता रही थी। उसके बाद हमारे घर चूल्हा जलेगा, चूल्हा नहीं जल सकता है, मतलब जैसे सुबह जो घर भर धुल गया उससे पहले ही खाना बन गया था, फिर घर भर किचन धुल गया था, उसके बाद खाना नहीं बन सकता है। तो प्रॉपर पूरा खाना बनेगा, खीर पूरी सब्जी चावल दाल जो भी बनता है सब बनेगा, फिर उसका भोग लगेगा। तो पहले भगवान जी आएंगे, फिर छोटी सी पूजा होगी, फिर भगवान जी चले जाएंगे दूसरे घर में, फिर यहाँ चूल्हा जलेगा, यहाँ खाना बनेगा, फिर उस वो जब खाना वाना बनकर रेडी हो जाएगा, फिर शाम को दोबारा रिपीट चक्कर लगाते हुए फिर भगवान जी आएंगे वापस, फिर उनको भोग लगेगा। तो इसमें यही होता है। और इसमें सब ये सुनकर मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो लगा। और फिर जो लास्ट घर होता है ना जहाँ भगवान जी जाते हैं रात में, फिर उनका वास उसी घर में हो जाता है, फिर अगले वो एक साल तक उसी घर में रहेंगे भगवान जी। और जिस भी घर में रहेंगे उनको रोज़ उनकी पूजा करनी होगी, उनको भोग लगाना होगा। और फिर नेक्स्ट ईयर सेम यही चीज़ होगी कि उस घर से फिर निकलेंगे, फिर घर घर घूमकर पूजा होगा, फिर आखिरी घर जो होगा जहाँ भगवान जी रुकेंगे वहाँ पर पूरे एक साल तक रहेंगे। तो ये है प्रोसीजर, सुनकर इंटरेस्टिंग है। सब कुछ नहा वहाँ करके, सब कुछ प्रिपेयर करके बैठी है कि भगवान जी आएंगे आएंगे। तो एक्चुअली यहाँ पर अभी एक बगल में मेरी भाभी लगेंगी, तो वो आई थी तो वो भी मजाक करी थी, वो थी कि किसी किसी गाँव में तो ऐसा सिचुएशन होता है कि कोई लेडी भोग लगाकर सर झुकाकर पूजा करने गई, तब तक कोई और भगवान जी को लेके भाग गया अपने घर। तो थोड़ा सा छीना झपटी वाला सिचुएशन भी कहीं कहीं आ जाता है कि जल्दी के चक्कर में लोग, मतलब बहस भी हो जाता है, नहीं लेट हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये वाली सिचुएशन भी अपेयर हो जाती है। अगर यही है कि अगर कम घर हो, कम घरों में पूजा हो, तो ईजिली लोग मिलजुल कर लें, लेकिन ज़्यादा घर होने से और अगर आपस में किसी पर बात की खटास है तो वो यहाँ पर थोड़ा निकल आता है। एनीवेज तो ये है, वेटिंग चल रहा है। चलिए भगवान जी जब आते हैं तो मैं शूट करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। एक बिरा ठेका वाल जा लेता, एक बिरा हे ने हे बस हो गए। तो अपना मैं बता रहा हूं, आओ वो भैया के इधर इधर मैं रख रहा हूं, तेल की लगा रही है, सबूत लगा दे जब आया मेरे प्रॉपर। एक बिरा पर जा रही हूं। हां हां
like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here. World's small. We can sit together. It's so beautiful. You and me. We're meant to be. Great outdoor. भगवान जी, एक्चुअली मैं लेट करके मोबाइल देख रही थी, मैं रूम में थी, मुझे पता भी नहीं चला कि कब आए हैं। फिर बड़ी माँ ने आके उठाया कि आओ जल्दी से, क्योंकि उसमें कुछ पूजा हो रहा था, उसमें मुझे भी होना ज़रूरी था, तो मैं गई हूँ। तो भगवान जी, मुझे कुछ ऐसा फील आया था ना कि भगवान जी की कोई मूर्ति होगी जिसे मतलब स्थापित होंगे, या तो थाली में या फिर पीढ़ा वगैरह जो होता है भगवान जी का स्थान, उसके ऊपर रख करके लाया जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं था, मैं ठीक से देख भी नहीं पाई हूँ और वो बहुत जल्दी चले भी गए। तो वो जो है घर में चूल्हा जलेगा, अब जो भोग प्रसाद जो भी है वो रेडी होगा। तो बस जो है वो मैं बता दूं आपको कि मेरे जो मैंने आपको कहा था बगल में जो घर है, हमारा घर डिवाइड हो चुका है। जो मेरी मझली मम्मी है उनकी बड़ी बहू है, तो वो मेरी भाभी लगेंगी, तो वो भी यहाँ नहीं रहते हैं, वो लोग गुजरात में रहते हैं। तो वो भी कुछ दिनों के लिए यहाँ आए हुए हैं, भैया तो नहीं है बट भाभी आई हुई है। तो वो है, वो सब मिलकर करा रहे हैं पूजा वूजा, तो अभी तीनों लोग लगे हुए हैं, मैं भी चली कुछ हेल्प कराने के लिए। यहाँ उबल रहे हैं चने, चने का जो है वो दाल की पूड़ी बनती है, वो बनेंगे, चना उबल जाएगा तब। इधर हो रहा है दूध गरम, जिसमें बनेगा खीर। भाभी है जो आटा गूंथ रही हैं, तो मुझे हैबिट नहीं है इतना ज़्यादा आटा गूंथने का एक साथ, तो मेरी ड्यूटी जो है वो है सब्जी बनाने की। वहाँ पर पूजा हुआ था, साइड में वॉल पे जो हाथ का छाप है वो लिया गया था, हाथ का प्रिंट। ये आटा गूंथा जा रहा है, इनकी बनेगी पूड़ियाँ। इसमें आया हुआ है आटा जो कि गांव में पिस करके ही आता है, तो ये जो पूजा के लिए जो गेहूं होता है अलग धुला गया, सुखाया गया, फिर उसे पिसवाया, पिसवा कर लाया गया है उसी का। तो मैं बेसिकली कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैंने बस सब्जी का प्रिपरेशन किया होगी, ये सारी चीज़ें बन जाएंगी तब सब्जी बनेगा। तो ये है भाभी, ये है मम्मी, और ये लोग दोनों मिलके कर रहे हैं। मैं बस इन दोनों को देख रही हूँ, इन दोनों को भी मैं नहीं देख रही हूँ, मिठी को ये देख रही है। मिठू क्या हो रहा है? तो साड़ी से ढक क्यों रही है? बहुत अच्छी देखता है।
वो बता था पंखा पंखा वा गुड़िया पंखा कौन सा पंखा पंखा चल रहा I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoor, forever free. भगवान जी चले जा रहे हैं, भगवान जी को ठीक से देख भी नहीं पा रहे हैं। फिर फाइनली जस्ट मैं अभी पूजा कर ही रही थी कि भगवान जी गायब। वो जो लेडी आई थी वो लेके गई, अब नेक्स्ट घर में जा रहे हैं, वहाँ पर पूजा होगा। वो क्या है, क्या वो क्या चीज है? बनी सती, जो पति सती, वो हम समझ रहे हैं, उसे मतलब है क्या? रुद्राक्ष माला है? नहीं, वो जो बोल बोल है ना, वो सब कोई का, जितना आदमी का घर में शादी होता है तो वो एक अच्छा बना के उसमें गाँसता है। है क्या मतलब? वो चांदी का। अच्छा, और सोना का वो 3 तो है चौड़ा। अच्छा, उस टाइम पे हमको लगा वो मजाक कर रही थी कि सोना चांदी है, तो हमको लगा नहीं, वो जितना उसमें ऐसे उदास नहीं था सारा, वो सब चांदी था। और जो 3 बड़ा बड़ा है वो सोना का है। अच्छा, मेन होते हैं किसी एक घर में रहे साल भर, वो उसमें रिप्लेस कर दे, तो उसमें से निकाल के सोना निकाल के कुछ नकली सोना लगा दे। क्यों, फ्रॉड का कमी है?